गुड मॉर्निंग लीडर्स, आज के इस मॉर्निंग सेशन में टीम आर्य की तरफ से बॉब सिंह आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर लीडर्स, जैसे कि अभी आपने ड्रीम वीडियो देखा, अब एक बेहतरीन ट्रेनिंग जो कि आपको एग्रीकल्चर के ऊपर, यानी कि हम अपनी खेती में किस प्रकार से लागत कम उपज की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको आज मिलेगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और हमारे जो आज एग्री के एक मास्टर ट्रेनर हैं जो बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं और हमारी टीम आर्य के यूथ आइकॉन हैं, अभिषेक हरसाना जी, आप जोरदार क्लैपिंग के साथ, हैंडेज के साथ जो है इनवाइट करेंगे। अभिषेक हरसाना जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, मैं अभिषेक हरसाना। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा आर्य सर का। जैसा कि सर ने बताया, वेस्टीज के अंदर मेरा जो लेवल है वो क्राउन डायरेक्टर का है और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। फरीदाबाद के अंदर एक छोटा सा गाँव है गुड़गावा, फरीदाबाद हाईवे पे मांगर गाँव, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और शुरुआत जब यहाँ से हुई थी तो 35 रुपीज से हुई थी और हाईएस्ट इनकम मेरी फैमिली के अंदर यहाँ से 2.5 लाख तक पहुँच चुकी है और इसे इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। अभी जो टारगेट है वो 5 लाख का है। सिस्टम को जब ज्वाइन किया था तो मैंने बाइक थी केवल मेरे पास, एक पल्सर 135। पहली गाड़ी यहाँ से सिलेरियो ली, दूसरी फिर क्रेटा ली, अभी मैं यहाँ से BMW X1 ड्राइव कर रहा हूँ और लाइफ जो है टोटली चेंज हो चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स, आप अपने डायरी पेन निकाल लीजिए सो ताकि आप ये नोट। ताकि आप इसे नोट कर पाओ और अपनी टीम को आप बता पाओ। तो आज जो आपके बीच ये ट्रेनिंग होगी, यहाँ पे आपको बताया जाएगा जो हमारे एग्री के प्रोडक्ट हैं, जो हमारे 7 से 8 जो एग्री के प्रोडक्ट हैं, उन हर प्रोडक्ट के बारे में आपको डीपली बताया जाएगा कि इस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, इस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है। सो डीपली आपको बताया जाएगा, जैसे कि आप बताते हो किसी को भी कि आप अपने खेत के अंदर Agri-82 लगा लीजिए, तो Agri-82 का एक बेनिफिट या दो बेनिफिट आप बता पाते हो कि ये पानी कम लगेगा आपका, यूरिया कम लगेगा, एक दो बेनिफिट बता पाते हो। तो बट यहाँ पे आपको कई सारे बेनिफिट बताए जाएंगे उस हर प्रोडक्ट के। एग्री ह्यूमिक के बारे में भी आप एक दो बता पाते हो, बट जब इतने सारे बेनिफिट आप बताओगे तो सामने वाले व्यक्ति का जो है ज्यादा उसे विश्वास होगा और बहुत सारी बातें उसे क्लियर हो पाएंगी और वो आपसे प्रोडक्ट जो है आपका जाएगा उसके पास, और जाएगा उसके पास तो वो बेनिफिट उसका होगा खेती के अंदर और आपका बिजनेस ग्रो करेगा जी। सो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि मैंने इस पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आपको मदद करेगा किसान को समझाने में। सो वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट और उनके फायदे, सबसे फर्स्ट में मैं लेना चाहूंगा एग्री ह्यूमिक को, जैसे आप स्लाइड पे देख ही पा रहे हो। सो एग्री ह्यूमिक, पहले इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ तो उसके बाद इसके बेनिफिट बताऊंगा। एग्री ह्यूमिक जो है मार्केट में बहुत सारे कंपनी जो है बेच रही है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ही है। और एग्री ह्यूमिक जो होता है, उनके पास जो एग्री ह्यूमिक होता है वो कई बार ऐसा ह्यूमिक उनके पास होता है कि वो बहुत पुराना होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो गुण होते हैं ना वो लंबे समय के कारण, यानी काफी लंबे समय से वो उनके पास है, तो उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। बट हमारे पास जो वेस्टीज एग्री ह्यूमिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आज के समय की डिमांड के अकॉर्डिंग, यानी आज के समय के डिमांड के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है और उसकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। यानी कि जैसा हमारा, जैसे हमारा अल्ट्रा स्क्रब है, कम अल्ट्रा स्क्रब जो है एग्जांपल के तौर पे बर्तन धोने के लिए हम यूज करते हैं तो कम लगता है, इसी तरह से ये भी जो है कम लगता है खेती के अंदर, हमारा कम लगता है क्योंकि इसके अंदर जो थोड़ा थोड़ा है ना, ये केवल 500 ml का है, इसके अंदर भी बहुत सारी ताकत होती है। एक एकड़ के बराबर एक एकड़ को ये मतलब
पोषण दे सकता है, इतनी ताकत इसके अंदर होती है। जैसे अल्ट्रा स्क्रब के अंदर एक बूंद से ही काफी सारे बर्तन को धोया जा सकता है, इसी तरह से इसके अंदर क्षमता होती है, ताकत होती है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग, अब जैसे कोई व्यक्ति 50 किलो यूरिया डाल रहा है अपने खेत के अंदर, तो वो कहेगा कि आपका ये जो 500 ml का है कि केवल आधे लीटर का है, ये इतना अच्छा काम कैसे कर जाएगा पूरे खेत में, मैं तो 50 किलो डालता हूँ, कहाँ 50 किलो और कहाँ कहाँ हो गया ये आधे लीटर का। तो आप उन्हें इस तरह से भी समझा सकते हैं कि देखो, अगर हमें मान लो ऊर्जा पैदा करनी है, यानी हमें आग पैदा करनी है, आग लगानी है, तो एक साइड तो हम ले लगभग 10 किलो या 20 किलो 20 किलो उपले ले 20 किलो ले 50 किलो ले, उनमें आग लगाए, ठीक है, उपले जो होते हैं, और कई जगह उनको कंडे भी बोला जाता है, जो गोबर से बनाए जाते हैं, ठीक है, और एक तरफ आप लो 1 लीटर पेट्रोल और उसमें आग लगाओ। तो देखो, उपले तो बहुत ज्यादा है, वो 20 किलो है, 20 किलो 50 किलो है, ठीक है, और पेट्रोल कितना है 1 लीटर। अब आप सभी बता सकते हो कि किसमें ज्यादा ताकत होगी, किसमें ज्यादा धमाका होगा, किसमें ज्यादा तेज जो है आग लगेगी, आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि मुझे भी पता रहे, मुझे भी लगे कि आप लोग बहुत अच्छे से सुन पा रहे हो। जी, अगर हम दोनों में आग लगाएंगे तो किस में ज्यादा वो होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। जी जी थैंक यू सो मच। सो इसी तरह से हमारा जो है ये एग्री ह्यूमिक जो है, इसके अंदर भी बहुत सारी क्षमता है। जी, ये मायने नहीं रखता कि वो 50 किलो या कितना है, ये मायने रखता है कि उसमें ताकत कितनी है। जी, सो अब हम चलते हैं वेस्टिज एग्री ह्यूमिक के जो फायदे हैं उनकी तरफ। जैसे कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हो, फसल में ज्यादा पत्ते आते हैं और उनका साइज भी बड़ा होता है। फसल में ज्यादा पत्ते आएंगे और उनका साइज भी बड़ा होगा। अगर ज्यादा पत्ते आएंगे, उनका साइज बड़ा होगा, तो प्रकाश भी वो ज्यादा ले पाएगा। आपको शायद पता हो कि पौधा जो है पत्तों के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से अपना भोजन तैयार करता है, पौधा जो होता है। सो अगर पत्ते ज्यादा होंगे, पत्ते ज्यादा फैले हुए होंगे, तो वो सूर्य का प्रकाश उन पे ज्यादा पड़ेगा और वो पोषण ज्यादा ले पाएंगे, और पोषण ज्यादा ले पाएंगे तो अच्छी डाइट अगर उन्हें मिलेगी तो उसका बेनिफिट होगा ही होगा। आप सब स्वयं ही समझ सकते हैं कि उसकी हेल्थ जो है अच्छी होगी, वो ज्यादा हमें फल देगा। जी, इसी के साथ साथ सेकंड पॉइंट जो है, पौधे के उत्पादन को बढ़ावा देता है, उत्पादन को बढ़ाता है ये। जैसे कि अगर किसी खेत के अंदर मान लो 40 मन का मतलब मैं बताऊं तो 40 किलो का एक मन होता है, तो मान लो किसी खेत के अंदर मान लो 35 मन गेहूं हो रहा है, तो उसमें ये 45 से 50 मन तक ले जाने का काम करेगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने है जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को यूज किया और इतने सारे बेनिफिट उन्हें मिले। थर्ड जो पॉइंट है, पौधे में डालियां ज्यादा आएंगी, यानी कि ज्यादा आती है डालियां जो है, अगर डालियां ज्यादा आएंगी तो उसमें क्या है, मान लो गेहूं के लिए ही हम मान लेते हैं, तो अगर ज्यादा उसके मतलब ज्यादा पौधे निकलेंगे उसमें से, तो डालियां अगर ज्यादा आएंगी तो उसमें बाल भी ज्यादा लगेगी और चारा भी आपका ज्यादा निकलेगा पशुओं के लिए। कई बार तो ऐसा होता है, देखो किसान जो है उस भूस को अगर वो बेच देता है, अपने लिए भी बचा लेता है और कुछ को अगर बेच भी देता है उसके पास ज्यादा है, तो सारा जो खर्च है ना फसल का, यानी उसने निकलवाया है उसे, अगर किसी और से कटवाया भी है, तो उसका खर्च तो उसके भूस से ही निकल जाता है, जो भूसा जो होता है उससे ही निकल जाता है। तो अगर ज्यादा डाली आएंगी तो भूसा भी ज्यादा निकलेगा। जमीन से पौधे को पोषण लेने में मदद करता है, यानी जमीन के अंदर मान लो पोषण होता तो है, हमने खेत में यूरिया भी डाल दिया या जो भी डाल दिया, तो उसको जमीन से पौधे को पोषण लेने में मदद करता है हमारा एग्री ह्यूमिक। जमीन के अंदर जो चिपक जाते हैं पोषण जो है, वो चिपक जाता है मिट्टी के अंदर, उसको ये पौधे को लेने में मदद करता है। जिस खाद को पौधा नहीं ले पाता है, जो न्यूट्रिशन मिट्टी के साथ चिपक जाते हैं, उनको पौधे की जड़ों में ऑब्जर्व कराने में मदद करता है, जैसे हमारा नौनी काम करता है, जो नौनी है आप सभी जानते हैं, इसी तरह से ये काम करता है, ऑब्जर्व कराता है। जी,
मायने ये नहीं रखता कि हमने खाद हमने खेत में कितना खाद बखेर दिया, कितना यूरिया है, डीएपी है या जो भी है, कितना हमने बखेर दिया, मायने ये रखता है हमारे पौधों ने, हमारे खेत ने लिया कितना जी। तो ये क्या करता है, ये उसे ऑब्जर्व कराता है, खाद को जड़ के पास रोकने में मदद करता है, जो खाद जो है उसको ये जड़ के पास रोकने में मदद करता है। अगर जड़ के पास रहेगा तो पौधा उसको टाइम टू टाइम लेता रहेगा जी। जड़ों का लंबाई और संख्या बढ़ाता है जी। जड़ जो है जैसे जो जिस पौधे में हमने बीज उपचार किया, हमने बीज उपचार के बारे में आगे हम जानेंगे, अगर हमने बीज उपचार किया पौधे में तो उसमें क्या है ज्यादा जड़े आएंगी, लंबी जड़े आएंगी, और अगर लंबी और ज्यादा जड़े आएंगी तो वो पोषण भी ज्यादा ले पाएंगी। आप सभी जानते हो पोषण अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी, फसल गिरेगी नहीं जल्दी, क्योंकि उसकी पकड़ अच्छी होगी, जड़े अगर मजबूत होगी तो पेड़ तो ऑटोमेटिक मजबूत होगा ही होगा, फसल आपकी मजबूत होगी। प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है, तो जैसे कि जब हम स्प्रे करते हैं इसका तो ये प्रकाश संश्लेषण को भी बढ़ाता है, पत्तों के ऊपर जब गिरता है तो पत्ते ज्यादा प्रकाश ले पाएंगे, पत्ते ज्यादा चौड़े होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। बीज की अंकुरित क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि बीज जो है अगर आपने खेत में 100 बीज डाले हैं नॉर्मल अवस्था में तो 100 के 100 बीज जो है नहीं अंकुरित होते हैं, बट आप अगर इसका यूज करते हो तो बीज के जो अंकुरित होने की क्षमता है उसको भी ये बढ़ाएंगे। अगर 100 बीज डाले तो 90 से 95 बीज से भी प्लस आपके अंकुरित होंगे, अगर आपने एग्री ह्यूमिक का बीज उपचार में प्रयोग किया है तो। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो, आपको जल्दी फसल देने में मदद करता है, 10th पॉइंट है, आपको जल्दी फसल देने में मदद करता है ताकि आपकी फसल जल्दी मंडी पहुंचे और आपको एक अच्छा रेट मिले। तो ये भी एक बहुत ही बेस्ट बात है कि जल्दी अगर फसल तैयार होगी, मान लो आपने गोभी की फसल लगा रखी है या टमाटर लगा रखे या प्याज लगा रखी, कुछ भी आपने लगा रखा है, अगर टाइम से आपकी फसल मंडी पहुंच गई समय से पहले तो आप स्वयं ही समझ सकते हो कि क्या रेट आपको मिलेगा, एक अच्छा रेट मिलेगा। और जब सब किसानों की मंडी में पहुंच जाएगी फसल तो भाई सब तो जब तो मतलब फसल की कमी नहीं है किसी चीज की, तो आपको रेट जो है कम मिलेगा जी। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी कि टमाटर जो है, टमाटर का रेट 80-80 रुपए किलो तक गया है, गोभी का रेट 80-80 रुपए किलो तक गया है, और जब सभी किसानों की मंडी में पहुंच जाएगी गोभी टमाटर जो भी है तो आप स्वयं देखते हो कि 10-10 रुपए किलो में मिलती है जी। सो आपकी फसल अगर जल्दी मंडी पहुंचेगी तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है ये, और डियर फ्रेंड्स आपको ये नोट करना है, कभी इसके स्क्रीनशॉट लेते रहो, स्क्रीनशॉट अगर ले लोगे तो वो फोन में ही डिलीट हो जाएंगे आपके एक दिन। पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है जी, मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, यानी कि मिट्टी जो है मिट्टी को नरम बना देता है, जिससे कि जैसे कि आलू जैसी फसल है, आलू उसमें मिट्टी में ज्यादा अच्छे से बैठ पाए, यानी नरम बना देता है मिट्टी को। आलू है, शकरकंदी है, और काफी सारी फसलें होती जैसे प्याज है, लहसुन है, सो वो ज्यादा अच्छे से मिट्टी में बैठ पाए। एक तो आप टाइट मिट्टी ले लीजिए, उसमें टाइट मिट्टी में नहीं बैठ पाएंगे वो ज्यादा, और एक नरम मिट्टी ले लीजिए तो उसमें ज्यादा अच्छे से वो बैठ पाएंगे, चाहे आलू हो, शकरकंदी, कुछ भी हो, सो ये उसमें भी हेल्प करता है जी। एग्जाम्पल हम लेते हैं, थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि जड़ के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक बीज की जो जड़े अंकुरित हुई थी उन्हें काट लिया गया, और फिर क्या हुआ, उसे एग्री ह्यूमिक को पानी में मिला के, यानी एक ढक्कन पानी में मिला करके, एक किलो पानी लिया और उसमें एक ढक्कन एग्री ह्यूमिक हमने मिलाया पानी में, और उस बीज को क्या है उसमें हमने डुबो कर रख दिया। कुछ दिनों बाद उस बीज में दोबारा से जड़े अंकुरित हो गई, और पौधे में भी दोबारा से जड़े अंकुरित मतलब हो जाएंगी आपका। जैसे मान लो कोई जो बीज है या कोई पौधा है उसकी जड़े अगर थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वो आपकी दोबारा से अंकुरित हो जाएंगी, अगर आपने एग्री ह्यूमिक का यूज किया है अपने बीज उपचार में या अपने खेत में। तो जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम वो लगाते हैं, पौध लगाते हैं, जैसे कि टमाटर की लगा लो या आप उस चीज की लगा लो, धान की लगा लो,
या कई सारी, पहले अब हम सब्जियों की भी पौध तैयार करते हैं, गोभी की लगा लो फिर उनको अलग अलग लगाते हैं जी। सो अगर कई बार क्या होता है उनकी जड़ें जो है वो थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त हो जाती है, थोड़ी बहुत टूट जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो पौध जो आपने लगाई है वो जम नहीं पाती है। बट आपने अगर उस पौध में एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल किया है तो वो अच्छे से जम पाएंगी, उसमें उनमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपने पौध लगाई, मान लो किसी खेत में आपने 100 पौधे लगाए, तो कई बार क्या होता है आपके 8-10 पौधे, 10-20 पौधे खराब हो जाते हैं। अब आपने उनके लिए जगह तो छोड़ रखी है और आप प्रयास कर रहे हो कि ये भी उगाए, तो आपकी जो है आपको फसल कम मिलेगी क्योंकि पौधे खेत में कम है और आपको नुकसान होगा। आप ये नहीं कि बाद में आप उनकी जगह और पौधे लगा दोगे, उनकी जगह और पौधे आप नहीं लगा पाते हो जी। तो ये उसमें भी आपकी मदद करेगा, अगर जड़ में कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो भी जाती है, टूट भी जाती है, तो उसमें भी मदद करेगा जी। नेक्स्ट हम लेते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हो इस पे स्लाइड पे 14वें पॉइंट पे, आपके रोपे गए पौधे की मरने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि ये उसकी जड़ के ऊपर काम करेगा। बट ये करना क्या होगा आपको, पहले तो मान लो आपने पौध लगाई, ठीक है, उसमें आपको एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करना है, उसकी क्वांटिटी हमें देख लेनी है, यानी मात्रा उसकी देख लेनी है और उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ जब आप पौध को खेत में लगा रहे हो तब आपको 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, या आपने लिया ले करके उसको एक जैसे बर्तन में उस पानी को डाल लिया और ऊपर से उसमें हमने एक ढक्कन एग्री ह्यूमिक का डाल दिया, ठीक है। और क्या करना है, पौध हमने उखाड़ी, उखाड़ करके और उसमें उसमें डुबाई, उसको पौध को डुबाया और कुछ सेकंड के लिए उसमें रखा, 10-20 सेकंड के लिए उस पौध को उसमें रखा, रख करके और हमने फिर उस पौध को लगा दिया। तो क्या है आपके ज्यादा से ज्यादा पौधे जो है जम जाएंगे, जमेंगे, मतलब उसमें दिक्कत नहीं होगी जी। 15वां पॉइंट लिख रहे हो आप, 5 ईयर्स तक एग्री बोतल की ताकत बराबर रहती है, ताकत कम नहीं होती है, मार्केट के ह्यूमिक्स की कम हो जाती है समय के साथ साथ। जैसे कि हमारी जो है एक्सपायरी डेट क्या है एग्री ह्यूमिक की, 5 साल, तो इसकी जो है ना लगातार 5 साल तक क्षमता ताकत बराबर बनी रहती है। ऐसा नहीं कि पहले साल बहुत ज्यादा है फिर कम होती हुई चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। यदि पौधा ऊपर से खराब भी हो जाए, 16वां पॉइंट, यदि पौधा ऊपर से खराब भी हो जाए या कोई पशु भी उसको खा जाए यानी चर जाए, तो क्या होगा कि एग्री ह्यूमिक का अगर आप इस्तेमाल करोगे खेत में या कर रहे हो तो वो पौधा आपका दोबारा से ग्रोथ ले लेगा, यानी दोबारा से उगाएगा और दोबारा से वो ग्रोथ ले लेगा। जैसे कि कई बार पशु चर जाते हैं तो वो दोबारा से ग्रोथ ले लेगा, या पशु किसी पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं यानी उसको कुचल देते हैं तो भी वो खराब हो जाता है, बट एग्री ह्यूमिक का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वो दोबारा से तैयार आपका हो जाएगा। 17वां पॉइंट, अगर हम पौधे को एग्री ह्यूमिक के साथ तैयार करते हैं तो वो जल्दी तैयार होगा और मार्केट में आपका फल या सब्जी पहले पहुंचेगी और अच्छा रेट मिलेगा जी, और ज्यादा मुनाफा किसान को होगा, और किसान को ज्यादा मुनाफा होगा तो आपको भी फिर दुआएं ही देगा और आपका आपकी रिस्पेक्ट करेगा। फल या सब्जी की लंबाई और मोटाई बढ़ा देता है, जो भी हम फल या सब्जी ले रहे हैं उसकी लंबाई मोटाई बढ़ा देता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि मिर्च आपने देखी होगी बहुत छोटी छोटी भी होती है और बड़ी बड़ी भी होती है, ठीक है। सो ये उसके ऊपर काम करेगा, हर फल सब्जी के ऊपर काम करेगा, उसकी लंबाई मोटाई साइज उसका बढ़ा देगा, साइज बढ़ा देगा तो उसमें वेट भी ज्यादा होगा और मतलब किसान को फायदा ज्यादा होगा। फल या सब्जी में दाग धब्बे नहीं और टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी सब्जी या फल, उसको ठीक करेगा। कई बार आपने देखा होगा कि मिर्च जो है टेढ़ी मेढ़ी भी होती है और भी काफी सारे जो फल है, जैसे टमाटर है, मान लो टमाटर ही मान लो, तो टमाटर ऐसे भी देखे होंगे आपने, थोड़े आकार उनका अजीब सा ही होता है, कहीं से मोटे कहीं से छोटे इस तरह से होते हैं, तो ये क्या करेगा आपके फल को एक अच्छा आकार देने में भी मदद करेगा, और अच्छा आकार देने में मदद करेगा तो उसका आपको अच्छा रेट मिलेगा। मान लो टमाटर आपने पैदा किया है और उसका आकार जो है थोड़ा मतलब नॉर्मल नहीं है, उसका आकार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसका ही जो है रेट आपको क्या है कम मिलेगा जी। सो मेहनत तो आपने पूरी की थी बट थोड़ा सा आकार में थोड़ा गड़बड़ हो गया तो आपको रेट कम मिलेगा, बट क्योंकि
जब कोई भी खरीदता है ना सब्जी को, 10 बार पहले चेक करके देखता है वो उसको, तब लेता है जी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेना चाहेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर दो सर, थोड़ा सा एग्री ह्यूमिक का कुछ एग्जांपल लेना चाहेंगे। एग्री ह्यूमिक को हमने गेंदे में यूज किया, तो इससे क्या है कि जैसे फूलों, हर हर फसल के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो। एग्री ह्यूमिक को हमने गेंदे में यूज किया तो फूल बहुत बड़ा आया और उसका अच्छा रेट मिला जी। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, और ये ऐसा नहीं है कि यूं ही बना दिए गए हैं, इनको मतलब ये प्रमाणित है, अच्छे से हमने किया है, यूज किया है, इस चीज के ऊपर वर्क किया है, तो गेंदे का जो फूल है बहुत बड़ा हुआ और उसमें अच्छे रेट मिले। जौ और गेहूं में यूज किया तो गेहूं भी ज्यादा हुए और उसमें भूसा भी ज्यादा निकला। फसल बहुत ज्यादा हरी होगी अगर हम उसमें एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल करते हैं तो। और ये मैंने हिंदी में लिखा है तो ताकि आपको आसानी हो समझने में भी। गोभी में यूज किया तो 1 एकड़ में 56 क्वांटल गोभी निकली, जबकि बिना ह्यूमिक के उसमें 46 क्वांटल निकलती थी जी। कई बार ऐसा भी हुआ फल और दाना के समय ओलों की वर्षा हो गई, जिस फसल में एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल हुआ था वो नहीं गिरी क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत थी, वो उसका पौधा मजबूत था। चाय की फसल में यूज किया तो चाय ज्यादा हुई और उसका ज्यादा कलर उसमें आया, कलर ज्यादा अच्छा हुआ। कॉफी में यूज किया तो कॉफी में भी बेनिफिट हुआ। गन्ने में यूज किया, गन्ने में भी जिस खेत के अंदर 400 क्विंटल गन्ना निकलता था, उस खेत के अंदर 550 से 600 क्विंटल गन्ना निकला जी। तो बहुत ही फायदा किसान को हुआ जी। नेक्स्ट फिर आगे जो प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा एग्री एक्वा जेल, जो हमारा पानी को जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और पानी को जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि आपका पानी जमीन में ना रिसे, नीचे ना रिस जाए, पौधे की जड़ों से नीचे ना पहुंच जाए आपका पानी। तो एग्री एक्वा जेल हमारा वहीं पे लॉक करके रखता है पानी को, जड़ जो होती है पौधे की उस रेंज के अंदर। कोई भी हम उसमें दवाई डालते हैं, यूरिया डालते हैं, या जो भी डीएपी यूरिया जो भी डालते हैं, वो भी उस जड़ की रेंज में ही रहेगी, वो नीचे निकल करके नहीं जाएगी जी। तो 40% तक आपके फर्टिलाइजर की मतलब बचत आपकी फर्टिलाइजर की करता है, क्योंकि आपका फर्टिलाइजर जो है वेस्ट नहीं होता है, वो नीचे नहीं जाएगा रिस के, पौधे की रेंज में ही रहेगा, जड़ की रेंज में। अब देखो जैसे आपको किसी कुर्सी के ऊपर बैठा दे और आपसे बोल दे कि बिल्कुल आपको यहाँ से उठना नहीं है, तो आप कितनी दूर तक ले सकते हो कोई भी सामान, जैसे खाने का है या कोई भी सामान है, तो कुछ दूर तक जहां तक आपके हाथ पहुंच पा रहे हैं। तो पौधे का भी यही होता है, वो जड़ जहां तक उसकी पहुंचती है वहीं तक तो पोषण ले सकता है। ऐसा थोड़ी कि बहुत नीचे पहुंच गया, कई फुट नीचे पहुंच गया, पानी है या दवाई है जो भी भोजन है उसका, वहां से ले लेगा, वहां से नहीं ले पाएगा, जहां तक जड़ है वहीं तक वो ले पाएगा जी। एक्वा जेल जो है अपने वजन वजन से 500 गुना अधिक पानी रोक कर रखता है जी, यानी कि 500 लीटर तक पानी ये जो है आपके पूरे खेत में रोक करके रखेगा। ऐसा भी नहीं कि आपका मतलब इतना ज्यादा पानी ये रोक दे कि आपकी फसल ही गल जाए, इस तरह का भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कितना है, अपने वजन से 500 गुना अधिक पानी रोक के रखता है, 500 लीटर तक अपने आपके खेत में पानी रखता है। अगर आप पानी लगाने में लेट भी हो जाते हो, मान लो आप 10 दिन में पानी लगाते हो, तो आपको थोड़ा 2-4 दिन लेट हो जाते हो, तो आपका ये उसे कंट्रोल कर लेगा, अन्यथा क्या होता है किसान की फसल पानी लेट होने की वजह से खराब भी हो जाती है। सो उस चीज से ये आपकी फसल को बचाएगा जी। बिजली व डीजल की बचत होगी, 50% तक बचत होगी, क्योंकि पानी अगर नीचे नहीं निकलेगा जमीन में तो खेत में ही रहेगा, और आपको पानी जो है कम चलाना पड़ेगा। जैसे आप देखते होंगे धान में पानी चलता ही रहता है, ज्यादातर देखते हैं हम ट्यूबवेल जो है या इंजन से हम अगर चला रहे हैं तो चलता ही रहता है, क्योंकि उसमें पानी दिया फिर वो नीचे निकल जाता है, पानी दिया फिर नीचे निकल जाता है। बट एक्वा जेल का अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको वो पानी की समस्या नहीं रहेगी कि आप डेली डेली उसमें पानी चलाते ही रहो जी। मिट्टी के कटाव को रोकता है और न्यूट्रिशंस के बहाव को रोकता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, मिट्टी का कटाव नहीं होने देता है। जैसे कई बार बारिश वगैरह से साइड के खेत में मिट्टी कट गई, उस तरह का नहीं होने देता है, और नीचे नहीं रिसेगा आपका न्यूट्रिशन जो खेत में डाला है आपने। ज्यादा बारिश होने पर भी
ज्यादा बारिश होने पर भी फसल को बचाएगा जी, यानी कि अपने अंदर उसे ऑब्जर्व करेगा पानी को, यानी पानी ये नहीं कि खड़ा ही रहेगा खेत में, तो ये अपने अंदर उसे ऑब्जर्व करेगा। बाढ़ में भी फसल को सुरक्षित रखेगा, यदि हमने अपने खेत के अंदर पानी दिया है दिया और उसके बाद उसमें जी वर्षा वगैरह हो गई और थोड़ा चलते हैं 8 पॉइंट पे, यदि अपने हमने अपने खेत के अंदर पानी दिया है उसके बाद उसमें खाद डाल दिया, तो वो खाद पानी के साथ मिलके पौधे की जड़ों से भी नीचे पहुंच जाता है और वहां से पौधा न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है और वह खाद हमारा खराब हो जाता है। इस पॉइंट को मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ आपका। हमने एक खेत में पानी दिया और खाद डाल दिया और फिर खेत में गर्म मतलब फिर गर्म हवाएं चल गई, तो खाद में पानी मतलब पानी के अंदर जो खाद है पानी के अंदर जो खाद है वो मिल जाता है और भाप के साथ बनके भाप बनके वो उड़ जाता है, तो ऐसी समस्या भी नहीं आएगी। जो आपने खेत में डाला है वो खेत में ही लगेगा, ना नीचे रिसके जाएगा ना ऊपर उड़ेगा। पानी अगर खेत में ज्यादा समय तक खड़ा रहता है तो उसमें फसल के सड़ने और गलने की संभावना ज्यादा हो जाती है और फंगस जैसी बीमारी लगने की ज्यादातर चांसेस होते हैं। सो ये उस समस्या से भी आपको बचाएगा। यदि फसल की कटाई के समय बारिश हो जाए और खेत में ही ज्यादा पानी भर जाए तो एग्री एक्वाजेल का छिड़काव करके खेत में आप जो है अपने मतलब खेत की कटाई कर सकते हो, क्योंकि एग्री एक्वाजेल उस पानी को अपने अंदर सोख लेगा और आपके पौधे में जो है पौधा आपका गलेगा नहीं, और उसके बाद आप उसका छिड़काव कर दिया एक्वाजेल का खेत में और उसको फिर आप काट सकते हो। काटने के बाद भी रहेगा तो खेत में ही, तो आपके नेक्स्ट फसल में भी जो भी आप नेक्स्ट फसल लगाओगे तो उसमें भी वो काम आएगा। जैसे अभी लोगों ने धान काटे है और अब गेहूं लगाए है तो उस अगली फसल में भी वो आपके काम आएगा क्योंकि रहेगा तो खेत में ही जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका डीप एमआरपी जो है 1800 है, डीपी इसका 1600 रुपए है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्री मॉस की तरफ। पौधे में फूल और बाली आने एग्री मॉस क्या करता है हमारा, और डियर फ्रेंड्स एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो कि ऐसा नहीं कि केवल हमारे पास एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक ही है, अगर आप स्वयं इन चीजों को यूज करोगे लोगों को बताओगे तो आपका विश्वास सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर बढ़ेगा और सभी प्रोडक्ट्स के बेनिफिट आपको मिलेंगे। अगर एक चीज के ऊपर ही पड़े रहोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि खेती के अंदर 4 स्टेज होती है, ये नहीं कि भाई केवल एक बुआई हो गई तो उसके बाद उसका खत्म काम खत्म है, यानी कि अगर छोटा बच्चा है तो उसको पोषण चाहिए और अगर वो बड़ा हो गया है जवान हो गया है बूढ़ा होगा यानी जब उसकी कटाई होगी तो उसको पोषण नहीं चाहिए, हर स्टेज में उसको पोषण चाहिए जी, अलग अलग प्रकार का जी। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो एग्री मॉस क्या काम करता है हमारा, पौधे में फूल और बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, यानी फूल और बाली जो आती है पौधे में उस प्रक्रिया को ये बढ़ावा देता है, ज्यादा फूल और बाली उसमें आएंगी, फूल और बाली को झड़ने से नहीं देता है। यानी कि जैसे मान लो आपकी मिर्च की खेती है, एग्जाम्पल के तौर पे मिर्च की खेती है, उसमें मान लो 100 फूल आए और 100 फूल में से 50 फूल आपके झड़ गए, तो क्या होगा कि ऐसा तो है नहीं, मतलब मान लो आपके खेत में 100 फूल आए और 100 में से 25 फूल आपके झड़ गए, तो ऐसा तो है नहीं कि 100 फसल लग जाएंगी उसमें 100 मिर्च लग जाएंगी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें 75 ही लगेंगे जब आप पूरा प्रयास करेंगे तब, अन्यथा और भी उसमें से झड़ जाएंगे फूल जो है, तो ये आपके फूल और बाली को झड़ने नहीं देता है, उसको ताकत देता है जी, जो हमारा एग्री मॉस है। जैसे कई बार तोरई होती है, जैसे कदुआ होता है लौकी जिसको बोलते हैं, इसके बाद और पेठा होता है, कई बार आपने देखा होगा जो फूल जो आता है ना वो या तो सड़ जाता है या खराब होता है या झड़ जाता है, तो उससे क्या है कि उस जो बेल जो है फसल की वो उसमें फल नहीं आ पाएगा, जहां से झड़ गया फूल जो है वहां पे फल थोड़ी आ पाएगा, सो आपका नुकसान होगा, किसान का नुकसान होगा, सो ये उस चीज को रोकता है जी। मान लो आपके खेत में आपने एग्री मॉस का यूज किया और मिर्ची ही लगा रखी है मान लो आपने, और 100 में से आपके 10-5 मतलब 5 फूल ही केवल झड़े, पहले कितने झड़ रहे थे, 25 झड़ रहे थे, 30 झड़ रहे थे, तो आपको जो है फसल ज्यादा मिलेगी, ये मतलब आपके फूलों को झड़ने से रोकता है तो आपको फसल ज्यादा मिलेगी। फूल व बाली में दाना ज्यादा आएगा,
जी, दाना जो है मोटा आएगा और ज्यादा आएगा, जैसे कि गेहूं है, तो गेहूं आपने देखा होगा कई जगह का गेहूं ऐसा होता है बिल्कुल मरा मरा सा, बिल्कुल पतला पतला सा, ठीक है। तो इसका अगर यूज आप कर रहे हो तो वो दाना जो है मोटा आएगा, और मोटा आएगा तो उसमें वजन भी ज्यादा होगा, पोषण भी ज्यादा होगा और उसके अच्छे रेट आपको मिलेंगे। जी, फूल और बाली आने से 20 दिन पहले यूज करना है या तो, या 20 दिन बाद, यानी 20 दिन पहले या तो यूज करना है जब बाली और फूल आए, या उसके 20 दिन, फूल बाली आने के 20 दिन बाद आपको यूज करना है। क्या? एग्री मॉस। तो हर स्टेज के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब तो सर वो तो बुआई तो हो गई है, तो अब क्या है, अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट है, बट ये प्रोडक्ट आपको स्वयं पहले लेने पड़ेंगे तभी आप किसी को रिकमेंड कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ही नहीं होंगे तो आपको मतलब उनके बारे में इतना पता नहीं हो पाएगा। एग्री नैनोटेक। सो एग्री नैनोटेक आपका क्या काम करता है, हर पौधे में, पौधे को ना पोषण चाहिए होता है, जैसे हमारी बॉडी को 46 प्रकार के विटामिन प्रोटीन चाहिए, तो उसमें बहुत सारे मतलब विटामिन मिनरल्स होते हैं या बहुत सारी चीजें चाहिए, तो इसी तरह से पौधे को भी 16 पोषक तत्व चाहिए होते हैं। कितने? 16। जैसे कि बेसिक होते हैं कुछ, जिसमें कि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, बेसिक जो होते हैं जो चाहिए चाहिए। उसके बाद प्राइमरी होते हैं जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम होते हैं। जी, सेकेंडरी होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फर होता है, और कुछ माइक्रो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। जी, तो सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिशन पर आधारित होती है हमारी फसल का कलर, यानी जो सेकेंडरी आप देख रहे हो कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर, इस चीज के ऊपर डिपेंड होता है हमारी फसल का कलर। जी, तो अगर आप एग्री नैनोटेक का यूज करते हो तो आपकी फसल को कलर और जो साइज है जो उसका, वो जो है अच्छा मिलेगा। जी, उसमें पोषण अगर अच्छा मिलेगा तो उसमें कलर उसका कलर अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि आपने बाहर से कोई कलर डाल दिया उसमें। तो आप आज तो आप देखते भी होंगे कि जिन फसलों का कलर अच्छा नहीं होता उनके ऊपर, जिन सब्जियों का या मान लो फलों का कलर अच्छा नहीं होता, आज तो ऊपर से भी डाल दिया जाता है, जैसे लीची के ऊपर करते हैं ना लोग, तो वो बहुत नुकसानदायक होता है। बट इस चीज का यूज अगर हम करेंगे तो ये नेचुरल तरीके से आपका जो कलर है वो अच्छा आएगा। जी, फल कलर और साइज, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिशंस पर आधारित है फल कलर और साइज। किसी भी फसल में फल व दाना आने पर नैनोटेक यूज करें, फल का रंग अच्छा आएगा, वजन अच्छा होगा, साइज बड़ा आएगा और किसानों को ज्यादा फायदा होगा, हर जगह उसकी फसल की मांग होगी। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि फसल, कई किसानों की फसल जो है उसकी मांग अच्छी होती है और कई किसानों की फसल की जो मांग है कम होती है, क्योंकि उनकी फसल हेल्दी नहीं होती है, जिनकी मांग कम होती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है एग्री गोल्ड। जी, एग्री गोल्ड हमारा क्या काम करता है, एग्री गोल्ड एक तो आप यूज कर इसको करते हो, सेकेंड स्टेज में आप यूज कर सकते हो इसे। जी, आगे मैं स्टेजेस के बारे में भी बताऊंगा। एग्री गोल्ड आपकी फसल के मेटाबॉलिज्म को बनाकर रखता है, यानी जो पोषण उसे चाहिए उसे उस वही पोषण दिलाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है एक तरह से उसकी जो पाचन प्रक्रिया है उसको अच्छे से बना के रखता है फसल की को। पोषक तत्वों को पौधे में ऑब्जर्व कराने में मदद करता है एग्री गोल्ड। कीटनाशक के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको आप, कीटनाशक जो होता है उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कीटनाशक का अलग स्प्रे किया और इसका आपको अलग स्प्रे करना है, तो आपका थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, और यहाँ पे बात हो रही है खर्चे को कम करने की, ठीक है। कीटनाशक के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह कीड़ा नहीं मारेगा, परंतु कीड़ा लगने से जो फसल की ग्रोथ रुक गई थी उसे री एक्स्ट्रा ग्रोथ दिलाएगा, यानी कीड़ा कई बार लग जाता है फसल पे तो ये कीड़ा नहीं मारेगा, कीड़े के लिए आपको कीटनाशक ही डालनी पड़ेगी, बट जो ग्रोथ रुक गई थी आपकी फसल की उसको री एक्स्ट्रा ग्रोथ आपको दिलाएगा। जी, तो बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा एग्री गोल्ड। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है एग्री प्रोटेक्ट, यानी कि जो आपके फसल को फंगस फफूंदी से फसल को बचाएगा। जी, एग्री प्रोटेक्ट, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार टमाटर में जो है फफूंदी लग जाती है, टमाटर है या कई तरह की फसलें होती है
उनमें फफूंदी फंगस लग जाती है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि टमाटर में मेहनत तो किसान ने पूरी की है, बट अब उसे कोई खरीदेगा थोड़ी मार्केट में या मंडी में कहीं पे भी कोई खरीदेगा थोड़ी उस टमाटर को। तो उसे बचाने का काम करता है ये हमारा एग्री प्रोटेक, इसका स्प्रे किया जाता है तो उस फंगस से हमारी उस फसल को ये बचाने का काम करता है, बचाएगा। फल व सब्जी में सलन गलन है तो एग्री प्रोटेक का इस्तेमाल करना है। और अगर आप किसी किसान भाई की फसल को सब्जी को बचा देते हो तो वो आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि आपको बिल्कुल बहुत इज्जत से इज्जत देगा बहुत आपको, और आपका फिर आपकी बात को मानेगा। जी उसके लिए तो आप एक तरह से भगवान बन के आ गई, क्योंकि उसके घर का खर्चा जो है ना फसल से ही चलना है। जी बीज उपचार में भी आप एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बीज में फंगस या बीमारी ना लगे, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ज्यादा हो जाए, यानी बढ़ जाए रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बीज की। कई बार बीज जो है, मान लो बीज बीज क्या है, बीज छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे क्या है ज्यादा बीमार होते हैं, तो बीज के अंदर भी ज्यादा चांसेस होते हैं बीमारी लगने के। तो आप एग्री प्रोटेक्ट में अगर एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करते हो तो उसमें बीमारी लगने के चांसेस कम होते हैं। जी सो एग्री ह्यूमिक में ही मिला करके आपको कर लेना होता है इसको, जब आप बीज उपचार करते हो तो उसमें एग्री ह्यूमिक यूज करते हो बीज उपचार में, तो एग्री प्रोटेक्ट को भी साथ में ही कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है एग्री 82। जी जो काम करता है स्प्रेडर, किसी भी दवाई में मिलाकर छिड़काव करते हैं तो वो फैलती है, यानी जो भी दवाई का छिड़काव हमने किया है उस वो पूरे पत्ते पे फैलेगी, ये नहीं कि बूंद पत्ते पे गिरी और गिरते ही नीचे गिर जाएगी। तो नीचे गिर जाएगी तो नीचे से थोड़ी काम करेगी, काम तो वो काम करेगी पत्ते के ऊपर तो काम करेगी, क्योंकि पत्ते के ऊपर जो बीमारी लग गई है तो उसको ठीक करने के लिए तो उसको यूज कर रहे हैं। जी तो ज्यादा फैलती है, छिड़काव ज्यादा फैलता है, दूसरे प्रोडक्ट की क्षमता बढ़ा देता है, यानी जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसकी क्षमता को बढ़ा देता है हमारा एग्री जो है एग्री 82। जी और नेक्स्ट जो है हमारा, एक समान घोल बनाने में मदद करता है, यानी कि जैसे कि मान लो आपने एक घोल बनाया, किसी भी दवाई का घोल बनाया, उसको आपको स्प्रे करना है, तो आपका जो टैंक है उसमें कहीं ऐसा कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे तो ज्यादा दवाई होती है और कहीं पे पानी पानी होता है बस, तो ये एक समान घोल बनाने में मदद करता है किसान की। जी पानी के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, यानी पानी का जो लेवल होता है पीएच लेवल उसको बैलेंस करता है। आप देखते हो कई जगह का पानी मोटा होता है पतला होता है, तो उसको ये बैलेंस करता है और पानी को पतला भी करता है, यानी कि आपके खेत में पानी जो है ज्यादा से आपका खेत ज्यादा पानी आपका ऑब्जर्व कर पाएगा। ज्यादा ऑब्जर्व किया तो जो पानी आप 8 दिन में लगाते थे वो पानी आपको 10 से 12 दिन में लगाने की जरूरत पड़ेगी, 12 दिन में लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो आपकी बचत होगी पानी की, और 1-2 दिन लेट भी हो गया तब भी आपका पानी जो है खेत में रहेगा। जी तो ये मैंने आपको सभी प्रोडक्ट्स के जो है बेनिफिट्स आपको बताए। तो आगे हम चलते हैं, हम अपनी नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है दूसरी वाली उसको भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, केवल 5 से 10 मिनट में हम उसे भी कवर कर लेंगे कि कितना कितना क्या किस स्टेज में यूज करना है। जी सर, अरे सर सर वो ट्रेनिंग पहले ही भेजी हुई है। सर ऊपर वाली लाइन में है सर, ऊपर वाली में सर, इस तरफ सर, थोड़ा इस तरफ, राइट में, राइट में, राइट में सर, हाँ सर ये वाली,
सो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर 70% यानी 70% तक लोग जो है ना खेती के ऊपर निर्भर है, ठीक है। और हमारे हमारे देश के अंदर यानी कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड पे 159.7 मिलियन हेक्टेयर जो है जमीन है, और उसमें ज्यादातर लोग जो है खेती के ऊपर डिपेंड होते हैं। और बहुत सारी जमीन ऐसी भी है जिसके ऊपर खेती ही नहीं होती है। किन कारणों की वजह से, कि जैसे वहां पे पानी की कमी है या और कई सारी समस्याएं है, पोषण नहीं है, वो मिट्टी बंजर हो चुकी है, पहले उस पर खेती होती थी बट हमने उसको डीएपी यूरिया या जो भी जहर डालते हैं हम उसमें, वो डाल डाल के उस जमीन को खत्म कर दिया है, उसकी ताकत को खत्म कर दिया है, तो उस पे खेती नहीं हो रही होती है अब। यानी कि जमीन तो बहुत सारी है बट पूरी पे उस पे खेती नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि वो बंजर कर दिया है हमने। और इसी तरह से इस बंजर जमीन की जो है एक तरह से मात्रा जो है, मतलब एरिया जो है, बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि इसको हम खुद ही बीमार कर रहे हैं, अपनी जमीन को हम स्वयं ही बीमार कर रहे हैं जी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है अभी जिनके बारे में आपको बताया, ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप इनसे खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती करने में आपकी मदद करते हैं, ये आपकी जमीन की जो क्षमता है उसको कम नहीं करेगा, उसको बढ़ाएगा, ऑर्गेनिक खेती के ऊपर आपको लेकर के आने में मदद करते हैं हम जी। हर फसल के मुख्य अंश होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि खेत के अंदर जो है अगर फसल है तो उसमें मिट्टी भी चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, बीज चाहिए और खाद चाहिए, ये सभी चीजें चाहिए होती है। मान लो मिट्टी तो है हमारे पास, पानी नहीं है, पानी की कमी है, तो भी काम नहीं चलेगा। बीज भी, बीज में अगर कोई नुकसान हो जाता है, कोई रोग लग जाता है, तो भी काम नहीं चलेगा। तो ये सभी चीजें हमें चाहिए होती है मिट्टी के लिए। और डियर फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये आपके जो है ना, जो आप खेत के अंदर डाल रहे हो जहर जो डाल रहे हो, उसको ये मतलब कम कर देगा, उसकी मात्रा को कम कर देगा। ये नहीं करना है आपको कि एकदम से ही आप उसको खत्म कर दो, ऐसा नहीं कि एकदम से ही, पहले हम डाल रहे थे यूरिया डाल रहे थे और अब हम बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म कर दिया, क्योंकि आपका जो खेत है ना उसकी हैबिट उसको पड़ चुकी है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले आप 50 किलो अगर डालते थे खेत के अंदर एक एकड़ में, तो अब की बार आपको 30 किलो ही डालना है, पहले 50 डालते थे, अब की बार 30 डालना है, उसके साथ आपको Agri-82 और ह्यूमिक का इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे आपका जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा जो खेत के अंदर आप डालते थे, जो भी पोषण के लिए उसके यूरिया हो या डीएपी कुछ भी हो। सो एकदम से आपको खत्म नहीं करना है, बंद नहीं करना है। सो बीज इसमें खेती के अंदर किसी के अंदर मुख्यतः चार स्टेज होती है। पहली स्टेज होगी बिजाई बुवाई व बीज उपचार की स्टेज, सेकंड स्टेज होगी बढ़वार व ग्रोथ की स्टेज, थर्ड स्टेज हो गई फूल व बाली, यानी फूल जब फूल और बाली आती है उसमें, फोर्थ स्टेज होगी फल व दाने की स्टेज। चार स्टेज होती है इसके अंदर, कृषि के अंदर। सो आपके पास ना चारों स्टेजों के लिए ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि बिजाई बुवाई हो गई तो बस अब तो आपके पास कोई प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है। ऐसा पहले होता था जब केवल Agri-82 होता था कि केवल पानी में मिला करके डाल सकते हो, तो बट अब आपके पास हर स्टेज के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है। मान लो बिजाई बुवाई बहुत अच्छे से हो गई और फिर आप उसको फसल को पोषण नहीं दिया, पोषण नहीं मिला, तो क्या होगा, पोषण नहीं मिलेगा तो उसको ग्रोथ, उसकी ग्रोथ कम होगी, तो बढ़वार और ग्रोथ की स्टेज के लिए भी है। उसके बाद फूल वे बाली आ गई, उसमें उस समय पोषण की कमी कर दी हमने खेत में, तो क्या होगा, तो भी उसमें नुकसान होगा। हर स्टेज में पोषण चाहिए खेत को, और हर स्टेज में अलग अलग तरह का पोषण चाहिए होता है। तो जैसे आपको बताया एग्री मॉस है, एग्री नैनोटेक है, ये सभी अलग अलग होते हैं, सो अलग अलग स्टेज के लिए पोषण देते हैं जी। वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट को तीन भागों में बांटा गया है, प्लांट प्रोटेक्शन यानी जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, सॉइल एंड प्लांट न्यूट्रिशन यानी मिट्टी को और प्लांट को जो है न्यूट्रिशन देते हैं, और एक्टिवेटर वेटर एंड स्प्रेडर जी। नेक्स्ट हम स्टेज पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो प्लांट प्रोटेक्शन में हमारा एग्री बायो फंगिसाइड या एग्री प्रोटेक्ट होता है प्लांट प्रोटेक्शन के लिए। सॉइल एंड प्लांट न्यूट्रिशन सेकंड चलते हैं हम सर, सॉइल एंड प्लांट न्यूट्रिशन, सो जो काम करते हैं एग्री ह्यूमिक
एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड, जैसे मैंने आपको बताया एग्री होमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक, सर पीछे वाले पे थोड़ा, एग्री होमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड। तो देखो चारों अलग अलग स्टेज के लिए है ये ना सोच ले कि मतलब एक स्टेज के लिए केवल हम पे ह्यूमिक ही है, अगली स्टेज के लिए हमारे पास गोल्ड भी है, फिर मॉस भी है, नैनोटेक भी है, तो हर स्टेज के लिए हमारे पास पोषण देने के लिए अवेलेबल है प्रोडक्ट जी। अगला हमारा एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर, जिसमें आएगा हमारा एग्री 82 जी। नेक्स्ट हम चलते हैं पहली स्टेज के ऊपर, बिजाई, बुवाई व बीज उपचार की स्टेज। तो इसमें आपको क्या यूज करना है, बिजाई में क्या यूज करना है आपको, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल 5 किलो का ये एक पैकेट होता है और 1 एकड़ के लिए होता है जी। 1 एकड़ यानी कई जगह यूपी की तरफ जो है बीघा होता है, तो 4 से 5 बीघे के लिए ये आपका एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल होता है जी। और अगर मैं गज में बताना चाहूं तो लगभग 4800 गज के लिए ये आपका एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल होता है, एक पैकेट, एक से डेढ़ पैकेट आप उसमें डाल सकते हो। और आपको क्या डालना है, और आपको डालना है उसमें एग्री गोल्ड, जो आपकी जमीन को पोषण देता है। सो 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ डालना होता है आपको, एग्री गोल्ड डालना होता है जी। जब हम बिजाई करते हैं या बुआई करते हैं उस समय ये आपको जमीन में डालना होता है। सो दोनों को आपस में मिला करके भी आप डाल सकते हो जी। 5 किलो एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, 100 से 200 ग्राम ये है एग्री गोल्ड। नेक्स्ट जो है बिजाई, जो बीज उपचार जो होता है, बीज उपचार में आपको क्या क्या प्रोडक्ट यूज करना है, एग्री ह्यूमिक लिक्विड जो हो गया, और एग्री प्रोटेक जो पहले बायोफंगिसाइड के नाम से आता था। एग्री ह्यूमिक कितना करना है, 1 किलो बीज के लिए 10 ml, यानी 1 किलो बीज के लिए एक ढक्कन, ठीक है, यानी कि लगभग एक खेत के अंदर 50 से 60 किलो बीज डलता है, तो एक खेत के लिए मतलब 1 एकड़ के लिए 50 से 60 किलो बीज डलता है 1 एकड़ में, तो ये जो है 1 बोतल आपकी काफी है, 50 से मतलब इसके अंदर लगभग 50-52 ढक्कन होते हैं, तो 1 एकड़ बहुत है, एक एकड़ के लिए बहुत है ये एक एग्री ह्यूमिक की बोतल 500 ml की। और प्रोटेक्ट कितना चाहिए, 10 ग्राम 1 किलो बीज के लिए, कितना, 10 ग्राम 1 किलो बीज के लिए, तो इसी तरह से उसको भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज जो होती है बढ़वार और ग्रोथ की स्टेज होती है, सो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट यूज करना है, एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 जो पोषण उसको देगा बढ़वार और स्टेज, बढ़वार की जो स्टेज है उसमें कितना डालना है, 30 ml एग्री ह्यूमिक 15 लीटर की टंकी में, ये छिड़काव के लिए बताया जा रहा है, 15 लीटर की टंकी में 30 ml एग्री ह्यूमिक, 30 ग्राम एग्री गोल्ड 15 लीटर की उसी टंकी में, और 5 ml एग्री 82। डियर फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान रखना है, अपने किसान मित्र को आपको बताना है कि एग्री 82 केवल 5 ml डालना है टंकी में, यानी कि आधा ढक्कन डालना है केवल टंकी में। ये नहीं कि हमने 2 ढक्कन डाल दिए कि भाई ज्यादा ताकत आ जाएगी, हमें केवल आधा ढक्कन डालना है 15 लीटर की एक टंकी में एग्री 82। तो इस चीज को आप किसान मित्रों को जरूर बताएं आप जी। डायरेक्ट खेत में अगर आप डालते हो तो 1 एकड़ के लिए 1 एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल है 5 किलो का जो है 1 एकड़ के लिए, और 100 ग्राम एग्री गोल्ड है, और 150 ml एग्री 82 है जी, यानी 16 ढक्कन जब आप डायरेक्ट खेत में डालते हो। ये पहले स्प्रे वाला बताया। फूल व बाली की स्टेज, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेज होती है फूल व बाली की स्टेज, तो उसमें आपको क्या क्या डालना है, एग्री मॉस और एग्री 82। ये छिड़काव के माध्यम से ही आप इसे डालें जी। फूल व बाली की स्टेज में एग्री मॉस और एग्री 82। एग्री मॉस कितना, 30 ml, और एग्री 82 कितना, 5 ml केवल उस 15 लीटर की टंकी में, केवल 5 ml आपको एग्री 82 डालना है। इस चीज के ऊपर आप गौर दे कि केवल 5 ml एग्री 82। नेक्स्ट स्टेज होती है फल व दाने की स्टेज, तो इस स्टेज में आपको डालना होता है एग्री नैनोटेक 30 ml, एग्री नैनोटेक 30 ml, और 30 ग्राम एग्री गोल्ड, और केवल 5 ml एग्री 82 जी। तो इस चीज, ये आपको इस तरह से डालना होता है छिड़काव के लिए, अगर आप छिड़काव कर रहे हो 15 लीटर की टंकी में, ये क्वांटिटी आपको डालनी होती है, और एग्री 82 केवल 5 ml जी। तो किसानों के लिए वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट पर विशेष लाभ भी होता है,
5 to 20%, 5 से 20% उन्हें रिटेल प्रॉफिट मिलता है, 5 से लेके 11% तक उन्हें कैशबैक मिलता है, 10% का रिपर्चेज ऑफर होता है। मान लो एक स्टेज का सामान उन्होंने खरीद लिया, नेक्स्ट स्टेज का वो खरीदते हैं तो उन्हें रिपर्चेज ऑफर मिलेगा, रिपर्चेज फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं उन्हें। जैसे 2500 पे 3 Agri 82 की बोतल है 100 ml की, और कंसिस्टेंसी ऑफर में वो अगर 4 स्टेज का लेते हैं, हर स्टेज का अपना लेते हैं, तो 5वीं स्टेज यानी अगली बार के लिए उसे उन्हें फ्री मिल जाएगा, अगली फसल के लिए फर्स्ट स्टेज जो होगी उसके लिए उन्हें फ्री मिल जाएगा। जी, तो इसी तरह से आप एक बहुत बड़ा अपना किसानों को फायदा दे सकते हो, पहुंचा सकते हो, क्योंकि हर स्टेज में फसल का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो कोई सी भी स्टेज हो। जी, सो नेक्स्ट प्लांटिक्स ऐप अपना है, जिसको आप अपने फोन में डाउनलोड करके रखे, और डाउनलोड करके इसको अगर आप ओपन करते हो और इसको यूज करते हो, यानी पत्ते के ऊपर इसके अपने फोन के कैमरे को करते हो, तो ये जो प्लांटिक्स ऐप है ये आपके पत्ते को देख करके, फसल को देख करके आपको बता देगा कि इसमें किस चीज की कमी हो गई है फसल के अंदर, और आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी बीमारी है। तो इस प्लांटिक्स ऐप को भी आप डाउनलोड करें, जो कि किसान का मित्र है, और किसानों को भी इसको डाउनलोड कराए ताकि किसानों को पता चल सके कि ये कौन सी बीमारी है। जी, सो मैं आज की जो ट्रेनिंग है मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और मैं आगे बुलाना चाहूंगा आर्य सर को। ओवर टू यू आर्य सर। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, वंडरफुल इस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग को देने के लिए, अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, सारे फायदे बताए कि वे एग्री होमिक का क्या फायदा है, एग्री एक्वाजेल के फायदे, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड, एग्री प्रोटेक्ट, एग्री 82, इनके क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन सी फसल में और किस किस टाइम में अलग अलग स्टेज में ये कौन कौन से प्रोडक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सारी बेहतरीन जानकारी दी। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। और कुछ लोग हमारे बीच में, तो उनसे रिव्यू भी लेना चाहेंगे, तो यहाँ पर कुछ लोग रिव्यू दे सकते हैं, जो हैंड रेज कर सकते हैं अपना, या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। जी, हमारे बीच में है मोहम्मद इकबाल जी, म्यूट करें अपने आप को। मोहम्मद इकबाल जी, गुड मॉर्निंग पप सिंह आर्य जी और अभिषेक सर जी, और गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स।